भी ज्यादा शदीद है और ये जबान का गलत बोल है, ये गीबत है, ये गीबत जो सबसे ज्यादा इंसानों को जहन्नुम में लेकर जाएगी, सबसे ज्यादा इंसानों को जहन्नुम में गिराएगी। ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, एक डाकू बैठा था पहाड़ की चोटी पर, उसकी नजर पड़ी, उसको ख्याल आया मैं क्या जिंदगी गुजार रहा हूं। उन्हें कहा, या अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ कर दे, आइंदा तेरे नबी का साथ दूंगा, और ये कहकर पहाड़ से नीचे उतर आया और साथ चल दिया। एक आदमी ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों में से, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो डाकू। तो जो नेक लोग होते हैं ना, नेक लोग, उनके लाशऊर में अपना अच्छा होना उतरा हुआ होता, हम बड़े अच्छे हैं। ये चीज बहुत बड़ा सबब है दीन से दूर लोगों के और दूर हो जाने का। जुनैद जमशेद गुलकार है, गाना गाने वाला, अब माशाल्लाह तौबा कर लिए, मुझसे बड़ी दाढ़ी है, मुझसे बड़ी पगड़ी बांधता है। 6 साल हम उसके पीछे फिरते रहे, जब अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक दे दी तो उसने मुझसे कहा, मैं सिर्फ इस वजह से इन राहों पे चला कि तुमने मुझे हकीर नहीं समझा और नफरत का इजहार नहीं किया, और दूसरा कभी फतवा नहीं सुनाया कि तू हराम खाता है, हराम ही तो खा रहा है, ये हमने कभी मुंह से नहीं कहा था तू हराम करता है, हराम खाता है। सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, चलते रहे, चलते रहे। 6 साल के बाद खुद ही तौबा कर ली, 3 चिल्ले भी लगा दिए और दाढ़ी भी रख ली और चिल्ले भी लग गए और कितने हज हो गए। और उसके पीछे क्या था, सिर्फ मोहब्बत, उसके गुनाह का उसका उसको ताना नहीं दिया। तो ये जो ताना देना होता है ये और लोगों को दीन से दूर करता। तो उस आदमी ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ने यूं देखा और बड़ी हकारत से कहा, बड़े आए हैं ये जो नेक लोग होते हैं, नेक पाक 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 औरत, पर्देदार औरत, कोई आ गई ऐसी बिचारी थोड़ी सी अमाल में ढीली तो उसको बड़ी ऐसे नफरत की नजर से देखती, आप बड़ी नेक हाजन बनती उसको ऐसी नजर से देखती। यही हाल ये पक्के पक्के नमाजियों का है, ये ऐसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं अगला दीन से ही निकल गया है। तो उसने यूं देखा, तो अल्लाह ताला ने फौरन जिब्रील को भेजा, कहा मेरे रूह ईसा तेरे पीछे 2 आदमी आ रहे हैं, एक तेरा साथी है, एक डाकू और चोर चक्का है, इन दोनों से कहो, डाकू से कहो तेरी तौबा पर तेरे पिछले सारे माफ, तू नए सिरे से अमल कर, और अपने साथी से कहो तेरी नफरत करने पर तेरी सारी नेकियां बर्बाद, तू भी नए सिरे से अब नेकियां कर, तेरा सब खत्म, तू ठेकेदार है मेरे बंदे को हकीर समझने का। तो मेरे भाई और बहनों, हमारे घरों में आग है, आग।